से, जहां मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर व्यवसाय में अपनी नई पहचान बना सकता है और इसके लिए 9 अलग अलग जगहों पर 690 एकड़ जमीन उपलब्ध है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में आने वाली कंपनियों को सरकारी जमीन पर इकाइयां लगाने की लागत में 75% तक की रियायत मिल सकेगी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ से अमेजन वेब सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट मैक्स पीटरसन ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि फिलहाल नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई को मिलाकर 6 जगहों पर कंपनी काम कर रही है। इसमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में डाटा सेंटर है और वहीं सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर व्यवसाय के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। तो वहीं मंडीदीप में प्लांट फूड कंपनी लिमिटेड को सऊदी सरकार की कंपनी सऊदी अरब एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी से 125 करोड़ रुपये का FDI मिला। MP में 325 मेगावाट की क्षमता वाली 2 केंद्रीय पवन परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और कुल 650 मेगावाट के लिए एक सॉफ्ट बैंक एनर्जी जापान और दूसरा एक्टिस इंग्लैंड करेगी। दोनों देशों से राज्यों में 4000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा।